सिफेरियल ग्रिड की कास्टिंग कैसे की जाती है, लेट्स सी। इसपे हमारे को एक डेट दी गई है, ये आपको सिफेरियल ग्रिड की कास्टिंग इस तरीके से करनी है। देखिए, ये इसका एक टेम्पलेट होता है जिस तरीके से ये लिखी जाती है। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस टेम्पलेट इज इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 3x3 की ग्रिड बना लोगे। एक 3x3 की ग्रिड बना लो, ठीक है। अब क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ जो थी हमारे पास, वो थी हमारे पास 17/9/19। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। 1972, 17/9, 17 सितंबर 1972 आप लोगों के पास एक डेट ऑफ बर्थ आई हुई है। इसको हम लोग सिफेरियल ग्रिड में कैसे कास्ट करेंगे, अब ध्यान रखिए, एक एक नंबर का, ये सिफेरियल ग्रिड का कैलकुलेशन है। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन व्हेन वी आर डूइंग दिस। नंबर 17 इज द डेट, सो नंबर 17 इज टेकन एज वन इंडिविजुअल पावर ऑफ वन, 7, एंड देन यू कंबाइन 1 एंड 7 विच इज 8। तो यहां पर हमारी कैलकुलेशन दी गई है। अगर आप देखोगे मिडिल वाला जो है, ये चार कंपोनेंट्स, ये पांच कंपोनेंट्स आते हैं आपके। एक्चुअली आपको क्या लेना है, डीओबी लेना है, एमओबी लेना है, वायओबी यानी कि ईयर ऑफ बर्थ लेना है, और एक ये वाली कैलकुलेशन लेनी है विच इज बेसिकली द लाइफ पाथ नंबर। सिफेरियल ग्रिड में चार कंपोनेंट्स आएंगे और ये आपको ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में लिखने होते हैं। यू हैव टू शो द कैलकुलेशन। Now, when the date is 17, it means 1, 7, and the third entity becomes the combined value of 1 and 7, which is 8. I will do another example also, don't worry, okay? So, इसको पहले समझिए आप लोग। तो इधर क्या हुआ, ये वाला जो हमारा थर्ड कॉलम है, ये वाला, इसमें देखिए, इसमें जो पर्पल में आपको दिख रहा है यहाँ पर, पर्पल में वो नंबर्स हैं जो ग्रिड के अंदर आएंगे, which you're going to put in the grid. So, it will be 1, 7 and 8, ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ मिला है हमें, ये सिर्फ डेट से मिला है, डेट कंपोनेंट से, ठीक है। नेक्स्ट, डेट के बाद हमारे को मिलता है मंथ विच इज 09, तो 0 + 9, ये देखिए ऊपर 0 + 9, इस केस में 0 और 9 को 0 छोड़ देंगे, 0 हैज नो वैल्यू, 9 लिखेंगे। मंथ की वैल्यू क्या है, 9, क्योंकि सितंबर है तो 9 वैल्यू लिखेंगे। अब आप कहोगे कि 0 और 9 को हमें ऐड करके एक और नंबर मिलता है विच इज 9, क्योंकि हमें एक और वैल्यू निकलती है ना सिफेरियल में दोनों नंबर्स को ऐड करके। लेकिन नंबर्स कभी रिपीट नहीं होते, एक ही लाइन में नंबर्स कभी रिपीट नहीं होंगे। मींस मंथ ऑफ बर्थ में अगर ऑलरेडी वन टाइम 9 आ चुका है, आप सेकेंड टाइम 9 नहीं लिखेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कि एक ही एंट्री में जब हम मंथ की एंट्री कर रहे हैं उस टेबल के अंदर, तो एक नंबर को रिपीट नहीं करेंगे, कोई भी नंबर। सपोज कर लीजिए ये आपका मंथ होता 12, सपोज कर लीजिए डेट अगर आपकी 12th होती, सपोज 17 दिसंबर होता, सपोज करवा रही हो, इट वुड हैव बीन 1, 2 and 3। लेकिन मैम नवंबर होता तो 1 + 1, तो 1 जो है वो दो बारी आ रहा है, तो उस केस में अगर आपका नवंबर होता लेट अस से, देन इट वुड बी 1, 1 and 2, है ना, ये वैल्यूज बनती हैं अलग अलग, लेकिन हम लोग 1 को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि 1 ट्वाइस नहीं आएगा, तो इसलिए 1 और 2 अगर नवंबर होगा। मैम दिस विल आल्सो अप्लाई ऑन डेट, अगर डेट पे वैसा आ रहा है तो रिपीट कर लो, जैसे मंथ में। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, सारी वैल्यूज में आएगा। डेट में भी अगर आपका, फॉर डेट में मुझे एग्जांपल दो, 22 अगर आपकी डेट है, ठीक है, तो 2, 2, 4 आएगा, तो उसमें भी 2 और 4 की एंट्री करोगे। ओके मैम, मैं अपना कर रही हूँ तो मेरा डीओबी में भी 1 रिपीट हो रहा है, और मतलब ईयर ऑफ द बर्थ में भी 8 रिपीट हो रहा है, तो दोनों में सिंगल सिंगल छोड़ दीजिए। अगर कहीं भी रिपीटिंग नंबर है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है, इसलिए मैंने दिखाया 11 का। अब कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल ओनली,
कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल, इसमें ईयर ऑफ बर्थ आपका 72, तो 7 + 2, तो 7 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए और 9 लिख लीजिए. हाँ ये देखिए इस तरीके से 7, 2 और 9 ये आ गए आपके नंबर्स. I'll do another example after this. आप लोगों में से एक example लेके करते हैं, ठीक है? अब क्या करना है, fourth entry जो आएगी उसमें एक इसमें concept होता है century of birth का, COB. तो COB में ये लोग क्या करते हैं, जैसे डेट थी पूरी की पूरी 19, तो 19th, क्योंकि 19th century में हम लोग 19th लिख रहे थे, तो ये COB का concept आपको पता होना चाहिए. बस ये जो है COB, ये जो आ रहा है 19 था, उसको भी अगर हम रिड्यूस करेंगे 1 + 9, तो वो भी एक्चुअली 1 पे आ रहा है. तो क्या करना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ 19 समथिंग है उसको आप जस्ट माइंड में रख लो कि 1 होता है सेंचुरी. उसको बार बार ये कैलकुलेट करने की या शो करने की जरूरत नहीं है. ऐसे जो साल, जो बच्चे या जो लोग 2000 प्लस में बॉर्न हुए हैं उनका जो सेंचुरी ऑफ बर्थ है वो 2 रहेगी, ठीक है? तो उसका भी माइंड में रख लो 2, तो उसको कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है. फोर्थ एंट्री क्या रहेगी हमारी, डेट ऑफ बर्थ. तो हमारी 4 एंट्रीज है, डीओबी, एमओबी, वाईओबी और नीचे वाला लाइफ पाथ नंबर, विच इज योर टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, सेंचुरी ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ बर्थ. प्लीज ध्यान रखिए, नहीं एक सेकेंड, प्लीज ध्यान रखिए, ऊपर जो आप लोगों ने टोटल्स निकाले हैं, जो सारे डिजिट्स को अलग अलग करके रखा है, ये मैं बार बार बोलती हूँ, ये फिर आप लोगों को बोल रही हूँ, जब भी आप लोग लाइफ पाथ नंबर निकालते हो प्लीज राइट दी ऑल द डिजिट्स ऑफ द 1, 9, अगर आप पूरा का पूरा लिख रहे हो 1, 9 सेंचुरी प्लस 72, पूरा लिखिए, सिंगल सिंगल डिजिट्स पर सारे लिखिए. प्लीज डोंट बी इन अ हरी टू एड अप कंपाउंड नंबर्स, राइट लाइक दिस. ये एक ट्रेडिशन है, इट्स अ प्रोटोकॉल, प्लीज फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ न्यूमरोलॉजी, ओके? तो ये डेट में 1 + 7 + 9 + 1 + 9 + 7 + 2 टोटल कीजिए इसका, तो आपका टोटल जो है वो 9 आएगा. एलपीएन इनका 9 हो गया, 9 को भी हम लोग इसमें एक एज अ सेपरेट एंटिटी लिखेंगे. अब आप लोग अगर ध्यान से देखो, क्वेश्चन आया था कि क्या इसमें हम अपना बेसिक नंबर भी लिखेंगे, ध्यान से देखो तो मूलांक यानी कि बेसिक और एलपीएन दोनों ही इंक्लूड हो गए हैं कैलकुलेशंस में. आपने दोनों को इंक्लूड कर लिया है ना, फर्स्ट वाले में जब डीओबी आपने 17 लिया तो 8 भी तो लिया ना साथ में, 8 इज योर मूलांक, यू हैव ऑलरेडी टेकन 8 एज योर साइकी और बेसिक नंबर, एंड यू हैव टेकन 9 एज योर लाइफ पाथ नंबर, सो बोथ आर इंक्लूडेड. सो दिस इज अ वेरी पावरफुल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग योर सिफेरियन ग्रेड. It takes the power of all the digits in your date of birth. ये सबको यहां तक क्लियर है, इस illustration में सब कुछ क्लियर है. I'm going to take one more example, okay? Ma'am, I have a question. Yeah. Ma'am, जैसे year of birth में mine is 87. 8 + 7 is 15. Wait. I'll just take. Wait. Now this is clear. Let's see. चलिए अब मेरे को आप लोग जो है एक पर्टिकुलर वो देंगे, लाइए एक डेट ऑफ बर्थ. गीतांजलि लाओ अपनी डेट ऑफ बर्थ लाओ. मैम 9/12/1987 यस, ठीक है? ये हमारे पास एक लाइव केस है डेट ऑफ बर्थ का, लेट्स सी हाउ वी विल डू. आप लोग सब अपने अपने पेज पे भी करने की इसको ट्राई कीजिए. नाउ द फर्स्ट एंट्री विल बी द डीओबी, okay, which is going to be only 9, क्योंकि 0 + 9 is also equal to 9, so we are not going to repeat that. So DOB will only be 9 here. Single digit में सिर्फ एक ही बारी आएगा. Month of birth इनका आता है 12, तो 12 में हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया. अब YOB सिर्फ ईयर लेना है, सो विच मीन्स 8 ले लिया, 7 ले लिया, इसका टोटल आता है 15, 15 का टोटल आता है 6, तो यहाँ पे 6 ले लिया.
मैम अगर ईयर ऑफ बर्थ 88 है तो एक 8 कंसिडर करेंगे. हाँ अगर आपका 88 आता है, फॉर एग्जाम्पल ये पूछ रही है, अगर 88 आता है तो इसमें डिजिट्स बनते हैं हमारे 8, 8 और 16 का टोटल 7. ठीक है, तो इस केस में हम लोग इस वाले 8 को हटा देंगे, तो 8 और 7 लेंगे. आप लोग पहले लिख लो फिर उसको क्रॉस आउट कर लो तो आपको इजी रहेगा याद रखना. ठीक है, और अब हम इसका एलपीएन लेते हैं, टोटल लेंगे. तो एलपीएन में क्या क्या आएगा इनका, इनका पूरा है सो 9 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 1, 9, 8, 7. कितना आ रहा है टोटल कैलकुलेट कीजिए. 13, 22, 30, 37. ठीक है, अब देखो इनका ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता लग गया 319 का इनका देखो वो ऊपर कंप्लीट है. ग्रिड बनाओगे तो अब अगर इनकी आप ग्रिड बनाते हो, लेट्स से इसी नंबर की हम लोग ग्रिड बनाते हैं. ठीक है, तो यहां पर अगर हम एक ग्रिड बनाते हैं इनके नंबर के, अब आप लोग एक एक करके लो ना, सबसे पहले 9 आ गया, एक एक करके लेते जाओ 9. तो यहाँ पर हम लोग 9 लिखेंगे, फिर आ गया इनका 1, सो वी विल पुट 1 हियर. 2, 2 यहाँ पर आता है 284 का लास्ट वाला जो है आपका. दिस इज हाउ यू डू कास्टिंग ऑफ द ग्रिड. पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए कौन कौन से नंबर आएंगे. सेकेंड स्टेप होगा यू आर गोइंग टू पुट दोज नंबर इन द ग्रिड. 3, 8, 7 भी है और 6 भी है और लास्ट में हमारा 811 भी आ रहा है. ठीक है, इसमें मिसिंग नंबर्स कौन कौन से हैं, 6 और 4. मैम मेरे ख्याल से 6 ये लेफ्ट साइड में आ रहा है जो है वो क्रॉस की जगह. अच्छा, हाँ, यू आर राइट. 7, 5. वेट, लेट मी जस्ट, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 6. ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस लग गया. इसकी डेट थी 9/12/1987 थी ना. ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 4 ये दो नंबर्स कम है. तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो 319 का जो हमारा पूरा प्लेन है वो फुल है, यानी कि इसकी इनको 100% पावर मिल रही है. 6 और 7 भी हेल्दी है, ऑलमोस्ट हमारे को 70% पावर मिल रही है इसकी. और इनका बॉडीली प्लेन जो है वो भी अच्छा है, उसको भी 70% पावर मिल रही है. जैसे हाँ एक बार ये और बता दीजिए. ये सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ये वाला किस तरीके से किया है हमने. मैम ये 11 क्यों लिया हमने, 11 नहीं लिया, दो बारी 1 लिया है उसके कैलकुलेशंस में, दो बारी वन आ रहा है. सो दिस इज नोन एज अ रिपीटिंग नंबर इन न्यूमरोस्कोप, इट्स नोन एज अ रिपीटिंग और अ रेकरिंग नंबर. ये स्ट्रांग हो गया, इसका सन बहुत स्ट्रांग है. नंबर वन अगर दो बारी आता है, कोई भी नंबर अगर दो बारी रिपीट होता है वो उसकी हेल्दी प्रेजेंस दिखाता है. ये भी हम लोग करेंगे, रिपीटिंग नंबर्स एंड मिसिंग नंबर्स. ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रिड के अंदर. अच्छा, इसको एक और वो चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए. लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल. Because ये चीज आप लोगों की ना वो होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए. हाउ टू डू द ग्रिड, गिव मी वन मोर डेट ऑफ बर्थ. मैम 30 मई 1983. हाँ जी, 30th मई. 30 मई, ओके जी. 30th मई 1983. चलिए इसमें देखिए, पहले वाले में आपका 3 आ जाएगा, सेकंड वाले में आपका 5 आ जाएगा. सिंगल डिजिट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना. 3, 5
अब यहाँ पर 83 में आपका 8 आ गया, 3 आ गया और 11 इसका टोटल आता है तो यहाँ पर 2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? एलपीएन इसका कितना है, 3 + 5 = 8, 9 × 9 = 18, 18 + 8 = 26 and 29, ठीक है। ये इनके नंबर्स हो गए जो आपको ग्रिड में कास्ट करने हैं। अब जब हम इनकी कास्टिंग के बारे में बात करेंगे, जब इस नंबर की ग्रिड बनेगी तो सबसे इम्पोर्टेंट पहले आएगा 3, ये फिर 5, तो 5 आपका यहाँ पर आ गया, फिर 8 आ गया नीचे, 3 आ गया, एक और देखो यहाँ पे नंबर 3 डबल रिपीट हो रहा है, और फिर आ गया 2 जो कि नीचे है, और यहाँ पर 2 भी रिपीट हो रहा है आपका। इस तरीके से ये ग्रिड बनेगी, ठीक है। इसमें देखो ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, और ये भी मेरे में सभी मिसिंग है। बस देखो इसकी बहुत अच्छी गीतांजलि की मैं ग्रिड इसलिए मैंने रब आउट नहीं करी, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस ग्रिड। ऑलमोस्ट ऑल द प्लेन्स आर ऑलमोस्ट फुल और वेरी नियर टू अ हेल्दी प्रेजेंस। दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड ग्रिड। दिस इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू यूटिलाइज हर बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट फॉर लिविंग हर लाइफ। इट्स अ वेरी हेल्दी। लेकिन इसमें भी 319 प्रिडोमिनेट कर रहा है, सो शी इज गोइंग टू गो फॉर अ पोजिशन विच इज गोइंग। अब ये अब हम लोग 51 योगास में जो पढ़ेंगे वो ये हैं कॉम्बिनेशंस। एक बार जब आप लोगों ने ग्रिड बना ली, अब 6 और 7 जब एक साथ बैठे हैं तो उसका क्या मतलब होता है, 319 अगर पूरा है तो उसका क्या मतलब होता है। अब हम लोग इनके मीनिंग्स पढ़ें। अभी हमने ब्रॉड लेवल पे किया है कि 3 लेवल्स होते हैं। मैम सी माय ग्रिड, आई डोंट हैव एनी नंबर। कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। कौन सी ग्रिड है जिसमें 2 नंबर्स होते हैं? कौन सी ग्रिड है बताओ जिसमें 2 नंबर्स हैं एटलीस्ट? कोई भी नहीं है, नो वन। सिंगल है? यस मैम, वन। दिस इज आल्सो इन अ वे मींस दैट आपकी कोई डेस्टिनी प्री डिसाइडेड नहीं है भव्या। आपको अपना मूलांक और आपको अपना भाग्यांक का समझना चाहिए वैल्यू, और उसके बाद जिस तरीके से आप अपनी लाइफ आगे लीड करना चाहते हैं आप उस तरीके से लीड कर सकते हो। यहाँ पे देखो इस वाली की, ये जो 30th May वाली डेट मिली है हमारे को, फिजिकल बॉडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर। दिस पर्सन विल हैव लॉट ऑफ एनर्जी टू डू फिजिकल वर्क, या फिर मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इज गोइंग टू बी स्टक इन अ रूटीन। Everyday going to the office, coming back, everyday doing the same work and being, the main thing is that they are content doing that. सबसे important बात यहाँ पे ध्यान रखो, उस person का ऊपर वाला जो है level वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। Problem तब आती है जब 284 full होता है। अब ये जो है जैसे हमारी गीतांजलि है इसका 319 full है, that means she's a knowledge seeker, she wants to rise in life and she wants to do something where her individuality or her intelligence is very deeply utilized. क्योंकि इसका intelligence वाला जो plane है वो बहुत over, in fact overactive ही है, because वहाँ पे एक double one भी आ गया, तो वो उसको dominate करता है। इसीलिए उसको जब routine काम करने पड़ेंगे, जैसे कि 28 में, जैसे कि घर गृहस्थी संभालनी पड़ेगी, बच्चे देखने पड़ेंगे, या कोई office का काम करना पड़ेगा daily basis पे, she will not feel happy doing that. She will have lot of discontentment. This is how you see the conflict arising in the life. Person ke life mein conflict ko samajhna bahut zaruri hai. Har insaan kuch kuch alag alag conflicts ke saath guzar raha hai. Paise bahut acha hai iska. Aap dekhoge to paisa bhi hai, buddhi bhi hai, body isko isko health bhi achhi milegi, deeply intelligent hai, bahut respected bhi hai, sab kuch hai life mein. Lekin what about the inner person, Gitanjali? What is happening inside? लेकिन जहां पर कोई रूटीन या कोई सेट काम करना आ जाता है, प्लीज रिमेम्बर 8 नंबर, 8 नंबर जो है वो आपसे लेबर की तरह काम करवाता है। लेबर की कोई इच्छाएं नहीं होती, लेबर सुबह उठती है, काम पे जाती है, काम करती है, वापस आकर सो जाती है, दैट इज 8 नंबर। 8 नंबर अच्छा ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आप लोगों को ये दे रही हूँ, ये वो दे बता रही हूँ डिस्क्रिप्शन। होना हर नंबर का जरूरी होता है, हाँ होना दोनों, बिकॉज़ नाउ हैविंग अ डबल 8 इज अ बिग ब्लेसिंग।
प्लीज अंडरस्टैंड नंबर एट इज ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअलिटी. नंबर एट इज ऑल्सो अबाउट मटीरियल सक्सेस. नंबर एट इज अबाउट स्टिकिंग टू योर गोल टिल यू अचीव योर एम. गीतांजलि के लिए ये वीकनेस है. इट इज अ वीकनेस बिकॉज उसकी होप्स एंड एस्पिरेशन बहुत हाई है. 319 जिसका फुल होता है वो जिंदगी को जीना चाहता है, वो जिंदगी को कॉन्कर करना चाहता है. वो क्या है जो नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी सोच ऊंची होती है ना. आपका माइंड ये है, इंटेलेक्ट है, तो वो बहुत ऊंची है. शी हैज लॉट ऑफ आइडियाज. बट आइडियाज को मैनिफेस्ट करने के लिए धरती पे, मैजिशियन कार्ड याद है ना, धरती पे मैनिफेस्ट करने के लिए स्टैमिना और विल पावर और कंट्रोल होना बहुत जरूरी है. इमोशनल कंट्रोल वो देता है नंबर टू. आठ देता है मेहनत करने की क्षमता. क्या आप उठ के अपनी बॉडी के साथ काम कर पा रहे हैं अपनी ड्रीम्स को रियलाइज करने के लिए? तो इसीलिए सारी चीजों का होना जरूरी है. सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है नंबर्स की. 319 को ऐसे में 284, अगर वो कहती है कि मैं लेजी हूं, तो ऐसे में आप उसको रेमेडीज दोगे नंबर एट की, क्योंकि उसको लाइफ में इस टाइम सिर्फ आठ नंबर का स्टेबिलिटी की जरूरत है. बाकी उसका सब है दिया हुआ. 6 and 7 makes her an emotionally balanced person. She is also spiritually inclined. She has a good heart. She is capable of forming very good relationships with people. That's important to get ahead in life. तो बाकी सब कुछ ठीक है. सिर्फ उसकी प्रॉब्लम जो आ रही है वो आठ की वीकनेस में आ रही है. और दिमाग इसका जो है वो बहुत, I will again say, with the presence, absence of 5 and 4 means उसके दिमाग में चलाकी नहीं है, क्योंकि उसका बुध नहीं है, उसका राहु नहीं है. बुध और राहु आपको क्या देता है? एक तो चलाकी. चलाकी मींस दैट यू बिकम सेल्फ इंटरेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आपको पता है जिंदगी में खुद को आगे कैसे बढ़ाना है, वो नहीं है इसका. और दूसरी चीज थोड़ी सी भोली है, लोगों की बातों में आ जाती है, क्योंकि 6 भी है और 2 भी है. ये दोनों इमोशनल नंबर्स होते हैं. तो क्लियर प्लानिंग की भी कमी है लाइफ में. 5 गिव्स यू प्लानिंग स्किल्स, एनालाइजिंग स्किल्स. 4 gives you ambition to go ahead in life. 4 number Rahu ka, they want to have a secure life, successful life. To isliye ab dekh rahe ho aap, hum planes ko bhi discuss kar rahe hain lekin individual numbers ko bhi discuss kar rahe hain. Is this true, Gitanjali, what we've just spoken about regards to this? Please unmute. Yeah, bilkul sach hai. Theek hai. पर्सन बिकम्स इमोशनली वेरी वेरी वल्नरेबल. पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. मैम, इन केस 7 डबल हो जाए तो वो और भी ज्यादा सीधा और सरल प्रकृति का हो जाता है. ऐसे में उसका 5 नंबर और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए होना. अदरवाइज ही और शी विल जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट द अदर पर्सन. 6 and 7 पीपल आर ग्रेटली फूल्ड इन लाइफ बाय पीपल हु आर आउट टू चीट देम. एब्सोल्युटली, बहुत बुद्धू बनाते हैं लोग उनको, या उनकी भावनाओं को, या उनकी अच्छाई को. 7, 5 अगर इकट्ठा हो तो 7 and 5 इज अ गुड हेल्दी कॉम्बिनेशन. It says that this person will be very good with people handling, but Mercury also makes you sharp-minded. तो वो ये भी देखेगा कि क्या इस चीज़ में मेरा फायदा हो रहा है, तभी वो जाएगा वो काम करने के लिए. तो he is not emotionally foolish, he is just emotionally very receptive, open. अच्छा combination होता है 7 and 5 का. Practical. He is practically emotional. 5 and 7 के लिए business recommended होगा फिर? बिल्कुल. जैसे आप बोल रहे थे कि बिल्कुल okay. अगर किसी का 7 and 5 है, उनको बिजनेस में जाना चाहिए, चाहे पार्ट टाइम करें. और उसमें अगर उनको 6 की थोड़ी सी रेमेडीज दे दोगे तो वो उनका प्लेन कंप्लीट हो जाएगा. 2 नंबर्स है ना, तो 3rd नंबर की रेमेडी देने से एकदम प्लेन की कंप्लीशन होगी. एंड मैम, फॉर 7 and 5 टू बी रेकमेंड बिजनेस स्पिरिचुअलिटी, डियर, डेफिनेटली अ करियर इन स्पिरिचुअलिटी. 5 एंड देयर इज नथिंग इन पोस्ट 7. Double 6 and 5 is a very good combination. This will make you a success in whatever field or talent you want to explore. 6 gives you some kind of a special talent in life. कोई ना कोई creative talent होगा आपके अंदर, या कोई people skills से, जैसे event management वगैरह, जैसे लोग चीजें होती हैं जिसमें आपको लोगों के साथ deal करना होता है, आपको उस तरीके का कोई talent होगा. वो talent को explore करो,
और फिर उसको बिजनेस पे कन्वर्ट करो क्योंकि 5 नंबर भी है वहां पर. चलो ये क्लियर हो गया सबको कास्टिंग कैसे करते हैं और ग्रिड कैसे बनाते हैं. ठीक है अब मैं कॉम्बिनेशंस पे आ रही हूँ. हाँ भव्या इज स्माइलिंग, क्या हुआ भव्या? I'm having 777, 111 and only 8. Very good willpower you are having. Very good willpower. If you are a little bit clear about your life goals, you will do very, very well in the field of spirituality and occult science. Now, coming back to this one, ये वाला हमने देखा ही था example. I think ये अभी सबको clear हो गया होगा. ठीक है कि ये नंबर्स हमारे कैसे आए. 178 आ गया, 1 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया. यहाँ पे देखिए 9 तीन बार ही आ रहा है ना, मंथ का आ रहा है, ईयर का आ रहा है और ये साथ में आपको एलपीएन से भी 9 मिल गया और ऊपर आपका 2 भी आ गया. ओके सो दिस इज हाउ यू डू. इनके केस में ये वाले नंबर्स नहीं है तो इस केस में आपको इनको रेमेडीज जो देनी है वो 319 वाले ग्रिड को कंप्लीट करने के लिए देनी है और आप 4 की भी रेमेडी उनको दे सकते हो. ठीक है अभी हम लोग देखेंगे कि रेमेडीज पे आप लोग अभी से मत जंप करना क्योंकि रेमेडीज हम लोग बहुत सोच समझ के देते हैं. सिर्फ 1 या 2 उन नंबर्स की दी जानी चाहिए जो उस टाइम पर उस इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको इस टाइम पे 4 नंबर की पावर की जरूरत ही नहीं है तो आप उसको 4 नंबर की रेमेडीज नहीं देंगे. ओके मे बी उसको 3 नंबर की चाहिए तो आप उसको 3 नंबर की देंगे. मैं हमेशा बताती हूँ रेमेडीज हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज शुड बी गिवन फॉर नंबर्स व्हिच नीड टू बी स्ट्रेंथेंड. दैट्स नंबर 1. नंबर 2 कीप इन माइंड व्हाट आर द फ्यूचर गोल्स ऑफ दैट पर्सन. इफ द पर्सन वॉन्ट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड प्लीज डोंट गिव देम करियर ओरिएंटेड नंबर रेमेडीज. और वो अगर करियर में अच्छा करना चाहता है तो फिर उसको डोमेस्टिकेशन वाले रेमेडीज मत दीजिए. चाहे नंबर्स मिसिंग हो या ना हो दैट डजंट मैटर. नंबर्स तो कई मिसिंग होंगे, हर ग्रिड में आपको मल्टीपल नंबर्स मिसिंग मिलेंगे लेकिन सबकी रेमेडीज नहीं देनी है. रेमेडीज आपको तो इसीलिए एक्चुअली आपको क्या गाइडेंस देनी है उस पर्सन को दैट विल बी अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम हियर ऑल्सो. इट इज नॉट जस्ट अ कैलकुलेटेड प्रोसेस. दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइव क्लास हेल्ड. You can join this course online with all live classes. Videos of each class will also be sent to you. Contact Mrs. Abha Bansal 9350508001.